जी हम श्री राम से लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण से मिलने के लिए आए थे। और आपके सामने जो ये पत्थर दिखाई दे रहा है, जो ये पत्थर है यह वह पारस पत्थर है जो नल और नील के स्पर्श करने से समुद्र में तैरने लगता है। आप ये पत्थर को ध्यान से करो। और यह पत्थर पानी पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह वही पत्थर है जिसकी सहायता से हमारी वानर सेना ने, मतलब हमने, और यहाँ से श्रीलंका मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, मतलब हमारी वानर सेना ने, अर्थात हम सब ने मिलकर उस समय ऐसे ऐसे पत्थरों का प्रयोग करके पुल बनाया था। और उसकी वो क्या नाम था उसका सर, वो अहंकारी रावण की बैंड बजा के आए थे। देख सकते हैं इसको, भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और खास तौर पर इसी चीज को देखने के लिए यहाँ से हमारे देश के नहीं विश्व के लोग भी यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण तैरता हुआ पत्थर। और मैंने कहा था कि हम ही थे वो जो ये पत्थर उठाकर उस पुल बनाकर गए थे, क्योंकि हम बंदर थे ना, हैं गुरुजी, हम बंदर थे, हम वानर थे। और आज भी जो कि हमारी प्रवृत्ति हम बदली नहीं है, तो हम इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है हमारा। और ये देखिए फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पर। पांडे सर क्या कहना चाहेंगे आप, पांडे सर क्या कहना चाहेंगे आप, छोड़िए फोटोग्राफी, ऐसा ही चलता रहता है। जहाँ से हम लोग छोड़ के गए थे बहुत दिन इस सेना को, हम लोग दोबारा फिर इस सेना में आ गए हैं। हम लोगों का कुछ कर्म यहाँ बचा रह गया था, जिसको पूरा करने हम लोग इस हजार हजार जीवन की कोटियों में पहुँच गए हैं, जिससे अब हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग अब जीवन मरण में आने से पाके प्रभु के श्री चरणों में हम लोग का जीवन समाहित हो जाएगा। तो आप सभी भक्तों को फिर से बोलना है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। और आप देख सकते हैं कि अगर हम दबाते हैं तो भी है पानी की सतह पर वापस आ जाता है। ये देखिए तो दबाया और ये फिर से पानी की सतह डाल दिया जाए। ये जय हो, जय हो। ये देखो कितने सारे लाइन से लगे, चले आ जाए गुरुजी यहाँ से। उनका मन नहीं भर रहा है, यादों को समेट कर एक तकनीक के माध्यम से अपने साथ ले जाना चाहते हैं।